पीएम मोदी आज अपने असम दौरे पर हैं। इस दौरान वे आज सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। यहां पीएम हाथी पर सवार हुए, वहीं जीप से भी काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पीएम हाथियों को गन्ना खिला रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का वीडियो इस समय खूब वायरल है। आपको बता दें कि असम के अलावा पीएम मोदी आज कुल 4 राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ यूपी का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत असम से की है, जिसमें पीएम मोदी आज सुबह काजीरंगा के नेशनल पार्क में मौजूद थे। यहां उन्होंने अपने दिन की शुरुआत एलिफेंट सफारी के साथ की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को राज्य की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत असम पहुंचे थे। यहां पर स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी रात्रि विश्राम के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व पहुंचे थे। पीएम मोदी के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दौरे से पहले स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के इस दौरे पर खुशी जताई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का प्रधानमंत्री जी हम लोग का असम में आ रहे हैं पहली बार। बहुत खुशी हो रही है जो हम लोग का प्रधानमंत्री हम लोग का काजीरंगा में आ रहे हैं, तो बहुत खुशी भी हो रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होने के बाद ये पहला प्रधानमंत्री है जो काजीरंगा नेशनल पार्क भ्रमण करेंगे, तो अब काफी बढ़िया माहौल है यहाँ पे और लोगों को खुश नजर दिख रहे हैं लोगों को, क्योंकि देखा जाए तो इस पहले साल यहाँ पे भारत के जो महामान्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो आए थे, और उसके बाद ही एक प्रचार का एक कुछ नया डायनेमिक्स मिला था। और अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है, जिसको विश्वगुरु भी कहते हैं लोग, तो उनके आने से हम सोच रहे हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क का जो टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसका और थोड़ा एक नया डायनेमिक्स मिलेगा, ऐसा सबका मानना है। तो इसलिए सब मतलब अभी एक मतलब खूब एक बढ़िया एक माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला टनल समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहां विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में 4 गुना तेजी से विकास कार्य चल रहा है। पूरे देश में विकसित राज्य के विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित पूर्वोत्तर के इस उत्सव में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।